प्रेरणा कथा गंदगी दूर करना। एक नदी के किनारे एक धोबी प्रतिदिन लोगों के गंदे कपड़े धोने आया करता था। वो एक बड़े पत्थर पर उन कपड़ों को पीट पीट कर गंदगी निकालता था। यह क्रम कई वर्षों से चल रहा था। एक दिन जब वो धोबी नदी के किनारे आया तो उसने देखा कि उसके पत्थर पर एक महात्मा जी ध्यान लगाए बैठे हैं। धोबी कुछ समय तक प्रतीक्षा करता रहा कि शायद महात्मा जी कुछ समय बाद उठ जाएं और धोबी अपने पत्थर पर कपड़े धो सकेगा। 2 घंटे बाद धोबी के धैर्य का अंत हो गया और उसने महात्मा जी से हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं इस पत्थर पर प्रतिदिन कपड़े धोता हूं, आज बहुत देर हो गई, कृपया आप यहां से उठ जाइए। महात्मा जी ने धोबी को क्रोध से देखा पर वो वहां से उठ गए और कुछ दूरी पर बैठ गए। धोबी ने जल्दी जल्दी उस पत्थर पर गीले कपड़े पीटने शुरू कर दिए। कुछ छींटे दूर बैठे महात्मा जी पर भी पड़ गए। महात्मा जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने धोबी को गालियां देने शुरू कर दिया। धोबी काम करता रहा। अचानक महात्मा ने उठकर उस धोबी को एक डंडे से पीटना शुरू कर दिया। धोबी हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझसे क्या भूल हो गई है जो आप मुझे पीट रहे हैं। महात्मा ने बहुत ही क्रोध पूर्वक कहा, मोर तुझे दिखाई नहीं देता, तू गंदे छींटे मुझ पर गिरा रहा है, तुझमें कोई शिष्टाचार है या नहीं। धोबी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज लोगों के कपड़ों की गंदगी निकालते निकालते मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि छींटे आप पर पड़ रहे हैं। धोबी उनसे क्षमा मांगकर कपड़े लेकर वहां से चल दिया। महात्मा जी ने देखा कि धोबी के कपड़ों से निकला गंदा पानी मिट्टी के संपर्क में आकर फिर से साफ होकर नदी में जा रहा है, जबकि महात्मा जी के कपड़ों में छींटों के कारण बदबू और सीलन फैल गई। महात्मा जी को अपनी गलती का आभास हो गया कि उनमें और धोबी में कितना फर्क है। धोबी औरत की गंदगी साफ करता है और महात्मा जी तो अब अपने कपड़ों की गंदगी तक साफ करने में असमर्थ है। महात्मा जी ने मान लिया कि असली महात्मा तो वो धोबी है जो प्रतिदिन बहुत ही धैर्य से समता के भाव से सभी लोगों के कपड़े धोता है और उनकी गंदगी निकालता है। महात्मा जी ने अपनी समाधि और ध्यान त्याग दी और लोगों की सेवा का वचन दिया। मित्रों, स्वयं को साफ और सुंदर बनाना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु इस प्रक्रिया के दौरान जो घृणा हमारे मन में औरों के प्रति उत्पन्न हो जाती है वो एकदम गलत होती है। सही महात्मा वही होता है जो औरों की गंदगी साफ करता है। हो सके तो दुनिया को थोड़ा सा सुंदर बनाने का प्रयास करते रहिए। आप देखेंगे कि लोगों की सेवा करते करते आप एक बहुत ही सुंदर मन और कांतिमान तन के मालिक बन जाएंगे। बस प्रयास कीजिए कि आपका आदर्श धोबी होगा कि वो घमंडी महात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद।